दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। जश्न में हुई हर्ष फायरिंग से बुझा घर का चिराग, परिवार में छाया मातम। जिन जिले में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली 14 साल के मासूम को जा लगी। आनंद फानंद में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया है। सरकार के आदेशों के बाद भी मनमानी, सरकार के सख्त नियम के बावजूद शादियों में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिले में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पड़ोस के एक शादी समारोह में डीजे बज रहा था। डीजे की आवाज सुनकर 14 साल का मासूम सुमित भी शादी में पहुंचा, जहां डीजे पर लोग नाच रहे थे। तभी अचानक शादी में किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी और गोली सीधी सुमित को जा लगी। इलाज के दौरान बच्चे की मौत। आनंद फानंद में सुमित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई। तो एमएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएस मीडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।